आप देख रहे हैं हमेशा खेत रेड्डी भारत न्यूज चैनल। जी हाँ, आज हम पहुंच गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर हमारे संवाददाता आजम इरशाद मौजूद हैं। वहां दिखाएंगे किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कन्नौज से भी और कई प्रदेशों से भी वहां पर किसान पहुंच रहे हैं। तो सीधे हम लिए चलते हैं आपको गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर आजम इरशाद हमें सब कुछ बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जी आजम जी बताइए। हाँ सर, हम गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ पर पुलिस ने अपनी जरूरी टीम लगाई रखी है। जी जी, एक सभी लोग साथ थे जी, तो उसको हम आपको नजदीक से दिखाना चाहते हैं जी। और आपको कहना मन की गुजारिश है की वो नजदीक से किसानों को रोका गया जी। दिखाइए कितनी संख्या में किसान मौजूद हैं अभी वहाँ। यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान मौजूद है जी, और यहाँ पर प्रशासन ने जो उनको रोक रखा है, इस तरीके से रोक रखा है। जी जी जी, अभी अभी राकेश टिकैत जी मौजूद हैं वहाँ मीटिंग में कि नहीं? सर हाँ, राकेश टिकैत जी मीटिंग में मौजूद है, अगर वो अपने रूप पर बनाया पर तो जब अभी जब बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलेंगे आज कि नहीं, कि कल वो मीटिंग करेंगे? हाँ, कल वो यहाँ पर जो मंच बनाया जा रहा है, जो मंच की तैयारियाँ हो रही हैं जी, उस मंच पर बैठकर यहाँ प्रक्रिया की जाएगी। जी जी, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए जी। सर काफी तादाद में पुलिस है और आर्मी के भी जवान है। अच्छा अच्छा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या क्या तैयारियां, किस लिए ये बुलाए गए हैं सभी किसान हर जिले से? ये इसलिए बुलाए जा रहे हैं 26 तारीख को सांसद का राजपाल का ग्राव है, 26 तारीख को ग्राव है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या दिल्ली के अंदर घुसेंगे किसान की नहीं घुसेंगे, कुछ पता चल पाया है? अभी तो दिल्ली के अंदर कोई घुसने की कोई भी सुनवाई नहीं है, सिर्फ राजपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हाँ, प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, उसी के लिए मंच वगैरह संबोधित करने के लिए किसानों को एकजुट बुला के बॉर्डर पर जी, अभी तो बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा तादाद पर किसान यहाँ एकजुट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरी खबर के साथ बने रहिएगा आजम इरशाद साहब, हमें अपडेट देते रहिएगा। जी जी, तो ये फोन लाइन पर हमारे साथ थे आजम इरशाद साहब, जो हमें गाजीपुर बॉर्डर से